Hello and welcome, everyone, in our online e-platform AgriPower Jaipur. My name is Rakesh Kumar Yadav. Today I am going to start my MCQ-based agricultural economics session. Before uh, starting the session, I start a session with a motivational quote. ए ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक इट मैक्स वर्क एक स्वपन जो अपन देखते हैं सफल होने का वो एक जादू के थ्रू रियलिटी वास्तविकता में नहीं बदल सकता इसके लिए अपने को चाहिए हार्ड वर्क ये मांगता है इट मैक्स ये बनाता है कौन बनाता है हार्ड वर्क हार्ड ही सपने को रियलिटी में साकार करता है तो ये आज का एक मोटिवेशनल कोट था इसके इसी के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं एम सी क्यू बेस्ट अपनी क्लास तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एक अपवाद है लॉ ऑफ डिमांड डिमांड के नियम का अपवाद है मांग के नियम का अपवाद है ऑप्शन ए फ्री गुड्स ऑप्शन बी इकोनॉमिक गुड्स ऑप्शन सी मोनोपीरियड गुड्स ऑप्शन डी गिफन गुड्स आंसर विल बी राइट गिफन गुड्स गिफ्टन गुड्स इसका सही आंसर होगा फ्री गुड्स क्या होती है ये गॉड गिफ्टेड होती है नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को मिलती है इनका कोई पैसा अपने को देना नहीं रहता इकोनॉमिक गुड्स क्या रहती है इकोनॉमिक गुड्स वो रहती है जिसमें अपने को पैसा देना पड़ता है परचेज करने के लिए इसकी क्या है वैल्यू होती है क्या होती है इसकी वैल्यू इकोनॉमिक गुड्स मोनोपीरियड गुड्स जो एक समय में काम आती है गिफ्ट गुड्स ये जो गिफ्टेड गुड्स होती है तो यह है एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ला ऑफ डिमांड गिफ एन गुड्स अब मैं समझाता हूँ क्या होता है गिफ गुड्स और ला ऑफ डिमांड क्या होता है कलर चेंज कर लेते हैं पेन का लाओ ऑफ डिमांड मांग का नियम हिंदी में बोलते हैं मांग का नियम लाओ ऑफ डिमांड यह कहता है कि यदि अपन किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है मार्केट में तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी यदि कोई कम्योडिटी के मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी ये लाओ डिमांड बताता है ये चीज़ें हैं इकोनॉमिक गुड्स जो वैल्यू रखती है और गिफन गुड्स जो गिफ्टेड होती है फ्री गुड्स गॉड गिफ्टेड रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ नेशनल इनकम पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन प्राइस थ्योरी तीसरा ऑप्शन है इनकम थ्योरी चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट आंसर तो देखते हैं क्या होता है राइट माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा मन क, मैंने कल की क्लास में बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी तो आंसर विल बी राइट प्राइस थ्योरी विल बी राइट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वहन मिल्क इज कन्वर्टेड इन टू बटर इट रिफ्लेक्ट्स जब दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये कौन सी यूटिलिटी है और कौन सी यूटिलिटी के थ्रू ये एक लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल है इसके थ्रू अपन यदि एक एक ऑप्शन को टच करते हुए चलेंगे तो पूरी इकोनॉमिक्स कवर करवा देंगे प्लेस यूटिलिटी पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है टाइम यूटिलिटी तीसरा ऑप्शन है पोजिशन यूटिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म यूटिलिटी तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्म यूटिलिटी अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ जैसे मिल्क है क्या है लाइफ बेस्ट एग्जाम्पल से अपने को अच्छे से समझ में आएगा अपने पास मिल्क है क्या है मिल्क है। वो कन्वर्ट किस में हो रहा है किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये हो रहा है बटर में बटर मतलब मक्खन दूध को मक्खन में कन्वर्ट करते हैं इसकी फॉर्म लिक्विड थी पहले लिक्विड थी अब उसके बाद में इसकी हो गई ठोस अर्ध ठोस हो गया अर्ध ठोस बटर में यदि मिल्क को कन्वर्ट किया तो क्या चेंज हुआ फॉर्म चेंज हुआ क्या चेंज हुआ फॉर्म चेंज, हुआ? चेंज हुआ। तो फॉर्म के चेंज होने से कौन सी यूटिलिटी आई यदि अपन फॉर्म के चेंज होने से यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे मिल्क की प्राइस वैल्यू अपने को कम मिलती है जबकि वैल्यू अपने को बटर की ज़्यादा मिलती है बटर मतलब मक्खन मक्खन की वैल्यू ज़्यादा मिलती है तो वो चीज है फॉर्म यूटिलिटी के थ्रू अपन ये एक फंक्शन है फॉर्म फॉर्म यूटिलिटी का फंक्शन है प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के थ्रू फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इमोबाइल फैक्टर कौन सा है मोस्ट इ मोबाइल फैक्टर है कौन सा है चलो देखते हैं लैंड है कि लेबर है कि कैपिटल है कि ऑर्गेनाइजेशन है तो लैंड तो हो नहीं सकता लैंड ही होगा क्योंकि इमोबाइल मतलब जो गति नहीं कर सके फिक्स यही तो है फिक्स्ड के फैक्टर प्रोडक्शन का जो एक ही जगह रहती है जैसे जमीन है आज अपने पास वो यहीं रहेगी गति नहीं करेगी गति मोबाइल का मतलब जो एक मूवमेंट करते हैं इमोबाइल का मतलब जो मूवमेंट नहीं करते तो वो लैंड है जो फिक्स रहती है लेबर लेबर एक एक्टिव एक फैक्टर है क्या है लेबर एक्टिव फैक्टर कैपिटल ये एक पैसिव फैक्टर है पैसिव फैक्टर तो चलो चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर देखो एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ ए पर्सन इज विलिंग टू पे आर एस रुपीज फॉर ए कमोडिटी बट ही एक्चुअली पेज रुपीज सिक्सटी द कंज्यूमर सरप्लस वुड बी कंज्यूमर सर सरप्लस मैंने कल भी बताया था आपको कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है जैसे फार्मर ने प्रोडक्शन किया फैमिली रिक्वायरमेंट एनिमल फीडिंग के लिए स्टोर करके बचा के उसके बाद में वो मार्केट में सेल करता है तो वो चीज़ होती है उसको बचाने के बाद में तो वो चीज़ होती है मार्केटिंग सरप्लस इसी के बेस पे एक क्वेश्चन लाया हूं मैं इफ ए पर्सन इज़ विलिंग टू पे रुपीज़ हंड्रेड फॉर ए कमोडिटी बट ही एक्चुअली पे एज रुपीज सिक्सटी दस कंज्यूमर सरप्लस वुड बी एज फॉलोज इनमें से कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा सिक्सटी होगा कि ट्वेंटी फाइव होगा फोर्टी होगा कि एट्टी होगा तो कंज्यूमर सर सरप्लस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको विलिंग टू पे ये होता है मार्केटिंग सरप्लस का बताया था सॉरी इसमें मार्केटिंग सरप्लस देखते हैं फैमिली रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन हुआ उसमें से फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए जो नीड है उसके लिए प्रोडक्शन प्रोडक्ट को स्टोर करने के बाद में जो अपन मार्केट में सेल करते हैं वो चीज़ रहती है मार्केटिंग सरप्लस तो ये चीज पूछ रहा है क्या कंज्यूमर सरप्लस चलो देखते हैं इसको वैल्यू इन यूज इन ऑफ़ वैल्यू एक गुण है फ्री गुड्स का है कि इकोनॉमिक गुड्स का है कि फ्री एंड इकोनॉमिक गुड्स दोनों का है नन इन इनमें इन से कोई नहीं वैल्यू वैल्यू क्या रहती है देखो इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू रहती है जिनका जिस वस्तु तो को खरीदने के लिए अपन पैसा देते हैं उसकी वैल्यू रहती है और ये फ्री गुड्स क्या होती है जो गॉड गिफ्टेड रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को नेचर प्रोवाइड करवाती है तो ये चीज़ है तो कई कई बार जिसका राइट right आंसर देखो मैं बता देता हूं वैल्यू इन यूज इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स इसका राइट आंसर होगा फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड्स बहुत नहीं होगा नॉन भी नहीं होगा ये राइट आंसर विल बी इकोनॉमिक गुड्स इकोनॉमिक गुड्स वैल्यू रखती है एक गुण है इकोनॉमिक गुड्स में जो वैल्यू रखती है तो देखते हैं फ्री गुड्स कब मच एक चीज एक्सप्लेन करता हूं देखो कब फ्री गुड्स भी इकोनॉमिक गुड्स बन सकती है इकोनॉमिक गुड्स में क्या रहता है इकोनॉमिक गुड्स में देखो क्या रहता है मैं बताता हूं इकोनॉमिक गुड्स इकोनॉमिक गुड्स वैल्यू रखती है जो अपन ने क्वेश्चन में एक बताया वैल्यू क्यों रखती है इससे गुड्स की सप्लाई कम रहती है और डिमांड ज्यादा रहती है यदि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है मांग ज्यादा है और पूर्ति उसके अनुसार हो नहीं रही तो वो इकोनॉमिक गुड्स रहती है और फ्री गुड्स जो नेचर अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट गॉड गिफ्टेड रहती है तो इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता देखो कब कौन सी सिचुएशन में फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स बन सकती है फ्री गुड्स कब इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है यह चीज मैं आपको बताता हूं एक लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें कोरोना ड्यूरेशन कोरोना के पीरियड में कोरोना के समय में जब अपने पास ऑक्सीजन ये अपने को नेचर फिर योप कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है जबकि उस समय उस समय क्या हुआ था ऑक्सीजन की इतनी डिमांड हो गई थी डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई क्या थी सप्लाई कम थी सप्लाई कम थी तो डिमांड ज्यादा होने पर सप्लाई कम होने पर वो कौन सी फ्री गुड्स भी इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है तो यह चीज मैंने लाइफ बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू बताई कि फिर गुड्स कब इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है तो यह चीज थी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अमाउंट फॉर नियरली परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केटिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में कितना चार्ज लगता है वो मार्केटिंग के कॉस्ट का कितना परसेंट रहता है ये क्वेश्चन बीस परसेंट रहता है कि तीस परसेंट रहता है या फिर पचास परसेंट रहता है या छियासठ परसेंट देखो ट्रांसपोर्टेशन के सबसे ज्यादा मार्केटिंग में लगभग फिफ्टी परसेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट की मार्केटिंग कॉस्ट की कितनी रहती है फिफ्टी परसेंट बीस परसेंट नहीं रहती है तीस भी परसेंट भी नहीं रहती पचास परसेंट रहती है छियासठ परसेंट नहीं रहती ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्ज लगता है मेनली वही मार्केटिंग कॉस्ट का मैन लगता है मार्केटिंग कॉस्ट वो होती है जो एक बार फार्मर से प्रोडस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से वो मार्केट में आती है और जब तक कंज्यूमर तक पहुँचती है कंज्यूमर तक पहुंचती है और कंज्यूमर पे करता है तो उसके बीच में कितनी कॉस्ट लग रही है फार्मर से कंज्यूमर तक या फार्मर को अपन बोल सकते हैं प्रोड्यूसर क्या बोल सकते हैं प्रोड्यूसर बोल सकते हैं तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कोई गुड्स या कमोडिटी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आने तक कितनी कॉस्ट लग जाती है ये एक चैनल के थ्रू आता है चैनल के थ्रू कैसे आता है प्रोड्यूसर जैसे फार्मर है नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं जैसे फार्मर है ये कलर चेंज कर लेते हैं भले एक थोड़ा hmm. फार्मर है फार्मर है फार्मर को बोल सकते हैं अपन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट अपने को कंज्यूमर तक नहीं जाएगा कोई भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर नहीं तक जा, नहीं जाएगा उसमें क्या बीच में चैनल्स रहते हैं क्या रहते हैं चैनल्स जिनको क्या बोलते हैं मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं मार्केटिंग चैनल्स में जैसे फार्मर किसी बड़े व्यापारी को सेल करेगा जो अपने को प्रोडक्ट परचेज कर लेगा उनका उसके बाद में वो होलसेलर हो गया जैसे पहले प्रोड्यूसर फलो चार्ट के थ्रू समझाएंगे तो देखो अच्छा समझ में आ गया प्रोड्यूसर से होलसेलर हो गया होलसेलर से रिटेलर हो गया फिर रिटेलर से डाई बाद में आता है कंज्यूमर तक तो इस चैनल्स के थ्रू इन चैनल्स के थ्रू मार्केटिंग कॉस्ट देखो बताता हूँ क्या होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के कोई भी प्रोडक्ट को पहुंचने में कितनी कॉस्ट लग जाती है तो वो होती है मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है मार्केटिंग कोस्ट और ये चीजें अपन मार्केटिंग का स्पेशली को चैप्टर सेशन लेके आएंगे ना उसमें और भी अच्छे से क्लियर करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिवारमन कमेटी एसोसिएटेड विथ कमेटी एसोसिएटेड विथ तो शिवारमन कमेटी किससे जुड़ी है एसोसिएटेड मतलब किससे संबंध रखती है आर से रखती है रीजनल रूरल बैंक से रखती है नाबार्ड से रखती है लीड बैंक स्कीम से रखती है या एस से रखती है तो शिवारमन कमेटी जैसा मैंने कल ही बताया था आपको नाबार्ड नाबार्ड का रिकमेंडेशन है ने कमेटी के थ्रू ही हुआ था इसी ने सीवार रमन कमेटी ने किस क्या किया था क्या किया था इसने किया था रिकमेंडेशन किसका रिकमेंडेशन इसने किया था नाबार्ड का रिकमेंडेशन किसका रिकमेंडेशन नाबार्ड नाबार्ड तो शिवारमन कमेटी एसोसिएटेड विथ नाबार्ड ये इसका आंसर राइट होगा और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देखो समझाता हूँ नाबार्ड कल बताया था जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई उन्नीस में हुआ था वो चीज़ कल बता दी थी पर इसके साथ और बता देते तो वो ठीक रहेगा शिवारमन कमेटी ने किया था ये एक कमेटी थी क्या थी कमेटी थी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन किया था नाबार्ड जो एक रिफाइनेंस इसका वर्क रहता है रिफाइनेंस वो सारी चीजें अभी यहां बता देंगे ना तो ठीक रहेगा रिफाइनेंस चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड नेट प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर एन इक्विलेंट क्वांटिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज ऑफन नोन एज यह आया था देखो आर पी सी डबल ए में क्वेश्चन दो हजार अट्ठारह में और हम सब यहां ऑनलाइन एग्री पावर जयपुर में ये ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है एग्री पावर जयपुर जो ऑनलाइन बेच चला रहा है डबलए के और आई बी पी एस एफ ओ आई बी पी एस एफ ओ के न्यू बेचेज लॉन्च करने वाला है तो वो पूरी चीजें डबल ए के अकॉर्डिंग और सारे अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल तैयार है और अपन क्वेश्चंस भी उसी के हिसाब से कराते हैं तो डबल ए दो में ये क्वेश्चन पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड नेट प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर एन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज ऑफन नोन एज देखो एक प्राइस होती है जो कंज्यूमर तो कितनी पे करता है और प्रोड्यूसर या फार्मर कितनी रिसीव करता है उन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं वो चीज़ ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो देखते हैं ऑप्शन ए मार्केटिंग चैनल कहते हैं मार्केटिंग चैनल कहते हैं कि मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं कि मार्केटिंग एफिशिएंसी कहते हैं या प्राइस स्प्रेड कहते हैं देखो मार्केटिंग चैनल तो नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते मार्केटिंग चैनल वो चीज़ होती है जिसे प्रोड्यूसर या फार्मर से प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर से अपनी कोई कमोडिटी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर तक पहुँचता है तो कई चैनल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है उसको जैसे बताया था अभी होल सेलर को फार्मर ने सेल किया फिर वो रिटेलर को करेगा रिटेलर से अपने को पास कंज्यूमर तक आता है तो कई चैनल रहते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं मार्केटिंग चैनल इसका मार्केटिंग चैनल तो आंसर हो ही नहीं सकता मार्केटिंग कॉस्ट देखो मार्केटिंग कॉस्ट वो चीज़ है जो मार्केटिंग में इंक्लूड रहती है जैसे प्रोड्यूसर एक, एक प्रोडक्शन किया किसी प्रोडक्ट का तो वो कंज्यूमर तक पहुँचने तक तक कितनी कॉस्ट लग जाती है तो वो चीज़ होती है मार्केटिंग कॉस्ट तो ये भी नहीं हो सकता मार्केटिंग एफिशिएंसी मार्केटिंग एफिशिएंसी वो चीज़ है जिसमें मार्केट में प्रोडक्ट कितना टिक पाता है मार्केटिंग एफिशिएंसी कितना प्रॉफिट हो रहता है वो चीज़ है प्राइस स्प्रेड ये इसका आंसर राइट विल बी प्राइस स्प्रेड आंसर विल बी राइट प्राइस स्प्रेड वही चीज़ है जो कंज्यूमर को कितना मिलता है और एक फार्मर कि, फार्मर कित कितना मिलता है और कंज्यूमर कितना पे करता है दोनों का डिफरेंस डिफरेंस किसका डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एक्चुअली पे और एंड फार्मर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर receive. रिसीव receive. तो ये चीज है कि डिफरेंस क्या होता है जैसे कंज्यूमर द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड एक्चुअली प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड ए प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर इज ए नॉन एज और इज कॉल्ड प्राइस स्प्रेड क्या होता है ये प्राइस स्प्रेड होता है ये सब चीज़ें मार्केटिंग के कोर्स में और मार्केटिंग के सेशन में अच्छी तरह से समझा पाएंगे और अभी भी ठीक है डिफरेंस यही होता है प्राइस स्प्रेड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द प्राइस ऑफ कमोडिटी द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कमोडिटी विल बी यदि किसी वस्तु की मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग पर क्या फर्क पड़ेगा मांग होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर या बोथ ए एंड बी मतलब बढ़ेगी भी और घटेगी भी तो देखो ला ऑफ डिमांड इसमें एक वर्क करेगा ला ऑफ डिमांड क्या वर्क करेगा ला ऑफ डिमांड ला ऑफ डिमांड क्या कहता है ला ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस से यदि इंक्रीज होती है क्या होती है इंक्रीज इंक्रीज इसका मतलब देखो इंक्रीज तो उसकी डिमांड डिमांड क्या होगी डिक्रीज होगी ये देख लो डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी तो ये चीज़ है तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन तैयार किया गया था यदि प्राइस से किसी कमोडिटी की ज़्यादा होगी तो डिमांड उसकी कम होगी और जैसे डिमांड अपन ने ज़्यादा है किसी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड क्यों ज़्यादा है क्योंकि या तो उसकी प्राइस से कम है या फिर उस बंदे की इनकम ज़्यादा है देखो ये तो चीज़ है कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है उसकी डिमांड वांट्स डिजायर्स और लग्जरी तक वो पहुँचता है तो वो चीज़ें बढ़ती जाती है इनकम के साथ वेरिएट रहती है तो यह चीज़ थी देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी तब ही इंक्रीज होती है ना तो जब डिमांड पे फ़र्क पड़ता है वो डिमांड घटेगी आंसर विल बी राइट डिक्रीज आज का सेशन देखो ये क्वेश्चन थे इसके अलावा मैं थोड़ा सॉल्यूशन करवाता हूँ और थोड़ा बेसिक करवाता हूँ देखो बेसिक्स में क्या है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जानने लिए कर, कोशिश करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी पार्ट है, है ये क्या है इंट्रोडक्टरी पार्ट इंट्रोडक्टरी क्लास बोल दो बेसिक्स टॉपिक इकोनॉमिक्स बताता हूं इकोनॉमिक्स क्या होती है सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है कहाँ से आया है इसका ओरिजिन ओरिजिन कैसे हो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है क्या है इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओ इकोनॉमिकस क्या ओ इकोनॉमिकस से मिलकर बना है इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओ इकोनॉमिकस ओ इकोनॉमिक्स मेड फ्रॉम टू वर्ड ओ इकोनॉमिकस एक है ओइकस क्या है ओइकस है दूसरा शब्द है नोमस नोमोस क्या है नोमोस इकस का मीनिंग रहता है हाउस होल्ड क्या रहता है वो इकस का मीनिंग हाउस होल्ड नोमोस का मीनिंग रहता है मैनेजमेंट क्या रहता है नोमोस का मीनिंग मैनेजमेंट तो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट घर का प्रबंधन ही हाउस होल्ड का मैनेजमेंट घर का प्रबंधन ही क्या है इकोनॉमिक्स है तो इको इकोनॉमिक्स को अपन एक लाइफ बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ पहले अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स को एक धन का विज्ञान कहा गया है इकोनॉमिक्स को बोलते ही धन की विद्या है तो वो चीज है इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ किसने बताया था ये एडम स्मिथ के द्वारा ये डेफिनेशन गिवन बाई एडम स्मिथ एडम स्मिथ कौन थे बताता हूँ एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यही थे एडम स्मिथ एडम स्मिथ थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने एक बुक रिटर्न की थी लिखी थी बुक राइट की उसका बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन क्या नाम था वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक का नाम था जो 1776 में सत्रह में लिखी गई थी ओके okay, इनके ऑथर इस बुक के ऑथर थे एडम स्मिथ ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये चीज़ पूछ ली जाती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़ पूछते हैं वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी कब लिखी थी ये भी चीज़ पूछते हैं तो इसने इसके ऑथर थे वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है और वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी ये सत्रह सो में लिखी थी चलो बेसिक पार्ट और देखते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं लाइफ बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू तो फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स फॉर अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स को समझने के एक लाइफ बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ जिसे आज मेरी इनकम है कि पंद्रह हजार पंद्रह हजार पर मंथ है तो उसे वो इनकम है पंद्रह हजार है क्या है पंद्रह हजार पर मंथ ये तो लिमिटेड है रिसोर्सेज बोल सकते हैं इसको लिमिटेड है लिमिटेड है ना ये अच्छे से समझ में आएगा पंद्रह हजार लिमिटेड है तो इसको देखो कैसे प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करे एलोकेट करे जिससे अपनी वांट्स नीड सेटिस्फाई हो सके तो हम क्या करेंगे देखो सभी के साथ यही होता है जैसे पंद्रह हजार है वो तो फिक्स है लिमिटेड है तो नीड्स और वांट्स तो अनलिमिटेड रहती है तो उन वांट्स को हम पहले पूरी करेंगे जो अपने लिए ज्यादा जरूरी है और उन वांट्स को बाद में पूरा करेंगे जो कम जरूरी है तो पंद्रह हजार को मैं ऐसे एलोकेट करूंगा रिसोर्स को ये रिसोर्स बोल सकते हैं इसको रिसोर्स को ऐसे एलोकेशन करूंगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कि अपनी वांट्स है ना जो सेटिस्फाई हो सके वांट्स को सेटिस्फाई हो सके तो वो चीज है इकोनॉमिक्स की रिसोर्सेस लिमिटेड है उनको प्रॉपर वे में अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चीजें बताती है इकोनॉमिक्स जिससे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके और देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताता हूं इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस बाई विच टू और मोर इनपुट आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू आउटपुट बताता हूँ इकोनॉमिक्स में इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होता है इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म ये ट्रांसफॉर्म होता है ना ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट रहते हैं कन्वर्ट होते हैं इनपुट को अपन बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं आउटपुट को बोल सकते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि आउटपुट अपना प्रोडक्ट इसमें आती है जैसे अपन इल्ड आ गई इल्ड पूरी डिपेंड रहती है इनपुट्स पे, इनपुट में आ गए जैसे फर्टिलाइजर आ गया फर्टिलाइजर हो गया जो फील्ड में अपन यूज करते हैं पेस्टिसाइड हो गया विडिसाइड हो गया तो ये सारी चीजें इनपुट है तो इनपुट को अपने कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में तो आउटपुट डिपेंड रहता है इनपुट पे तो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और ये डिपेंडेंट वेरिएबल रहोगे तो ये एक प्रोसेस रहती है जिसके थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो अपन ने बता दिया था तो साथ में मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर की भी बात कर लेते हैं ये थोड़ा वाइट रहेगा तो ठीक रहेगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है जे एम किन्स जे एम किन्स जे एम किंस मतलब फुल फॉर्म है जोहन मैन यार्ड किन्स इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिस में बताई दिया और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स डॉ जे एम किन्स को बोलते हैं द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स वो चीज बताई दी विच इज मेड फ्रॉम टू वर्ड ओइकस प्लस नोमोस ओइकस मीनिंग हाउस होल्ड एंड मैनेजमेंट मीनिंग हाउस होल्ड और नोमोस का मीनिंग रहता है मैनेजमेंट दूसरी चीज जैसे कल अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के डिवीजन बताता हूं क्या रहता है कितने भागों में डिवाइड है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के डिवीजन को इस प्रकार अपन समझ सकते हैं दो अप्रोचेज है इसके कौन से अप्रोचेज है दो एक है ट्रेडिशनल अप्रोचेज ट्रेडिशनल, अप्रोचेज। ट्रेडिशनल अप्रोच सेकंड है मॉडर्न अप्रोच क्या है सेकेंड मॉडर्न अप्रोच तो देख बताता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या आता है मॉडर्न अप्रोचेज में क्या क्या आता है ट्रेडिशनल अप्रोचेज में आती है देखो अपने प्रोडक्शन आ गया पहले तो दूसरा आ गया कंजुप्शन कंजप्शन क्या आ गया दूसरा अप्रोच कंजप्शन ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आ रहे हैं प्रोडक्शन हो गया पहला दूसरा हो गया अपना कंजुप्शन तीसरा हो जाएगा एक्सचेंज क्या हो जाएगा तीसरा एक्सचेंज और चौथा हो जाएगा अपना चौथा क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ प्रोडक्शन क्या होता है कंजुप्शन क्या होता है एक्सचेंज क्या रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है उसके बाद में अपन चलते हैं मॉडर्न अप्रोचेज है, की ओर प्रोडक्शन क्या प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक प्रोसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू इसको बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन ही तो वो चीज है जिसके थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट में सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट में कन्वर्ट रहते हैं इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाई विच टू और मोर इनपुट्स आर कन्वर्ट इन टू आउटपुट आउटपुट क्या हो सकता है इल्ड हो सकती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अपने को लास्ट में मिलता है हार्वेस्ट करने के बाद में उसको आउटपुट बोल सकते हैं होता ही वो ही हो ये आउटपुट इल्ड हो गए ये चीजें हैं तो वो हो गई प्रोडक्शन क्या हो गया प्रोडक्शन हो गया दूसरा अपना था प्रोडक्शन के अलावा ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला तो प्रोडक्शन था दूसरा था कंजुप्शन 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 देखो क्या होता है ड्रेस्ट्रोइंग द यूटिलिटी यूटिलिटी मैंने बता दी थी वांट्स गुड्स good. में वस्तु क्या होती है वस्तु बताता हूं पहले एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ जो अपनी मानव की इच्छा को पूर्ति कर रही है मानव की चाहत को सेटिस्फाई कर रही है तो वो अपने लिए गुड्स है कमोडिटी बोल सकते हैं फिर वो गुड्स कमोडिटी में एक पावर रहती है क्या पावर रहती है वॉन्ट्स सेटिसफाइंग पावर रहती है और वो पावर रहती है ना वॉन्ट्स ए सेटिसफाइंग पावर ऑफ ए गुड्स इज नॉन एज यूटिलिटी तो उस यूटिलिटी को डैस्ट्रॉय करते हैं किसके थ्रू कंजुप्सन के थ्रू तो इसकी डेफिनेशन बताता रहा हूँ डैस्ट्रॉइंग ए of utility of goods or commodities through गुड्स कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद में ने उसकी यूटिलिटी को डेस्ट्रॉय करते हैं देखो इसमें एक एग्जाम्पल बताता हूँ लाइफ बेस्ट जैसे अपन ने गुलाब जामुन है क्या है गुलाब जामुन गुलाब जामुन का अपन पहला यूनिट एक पीस अपन ने कंज्यूम की उस टाइम अपने उसकी यूटिलिटी रहेगी सबसे ज्यादा दस बोल दो ये यूनिट है कि यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट है यूटिलिटी की मेजर करने की यूनिट है यूटिल्स में यूटिल्स में अपन यूटिलिटी को माप सकते हैं कितना सेटिस्फिकेशन मिला मिला इसको एक यूनिट में मेजर करें ना तो यूटिल्स होती है जैसे दस यूटिल्स हो गए ऐसे मान लो वो चीज़ अपने को एक पीस कंज्यूम करने के बाद में दस यूनिट और दस यूटिल्स यूटिलिटी पर मिली उसके बाद में जैसे दो खाएंगे दूसरा पीस कंज्यूम करेंगे तो फिर यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी फिर जैसे आठ हो गई सात हो गए ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे अपन यूनिट ऑफ कंजशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी जैसे पहला पीस खाया था जिस टाइम अपने को अच्छा लग रहा था उसका संतुष्टि अच्छी मिल रही थी उसके बाद में धीरे धीरे वो कम होती जाती है तो ये होती है यूटिलिटी के को डेस्ट्रॉय करते हैं किसके थ्रू कंजुप्शन के थ्रू और दो तो कंजुप्शन एक प्रोसेस है कंजेस्ट्रॉइंग ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन हो गया कंजुप्शन हो गया और एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडिशनल अप्रोच का तीसरा भाग है पहला हो गया था प्रोडक्शन दूसरा हो गया था कंजुप्सन तीसरा हो गया एक्सचेंज यदि अपने को कंज्यूम किया कोई भी यूनिट गुड्स तो उसके लिए अपने को पैसा तो देना पड़ता है या तो इसका हिंदी मीनिंग रहता है देखो विनी में एक्सचेंज हो सकता है वन परसेंट टू अनदर परसेंट हो सकता है नो दर हो सकता है तो एक्सचेंज या तो अपने वस्तु के बदले वस्तु का कर सकते हैं विनीमय या फिर वस्तु के बदले पैसा दे के कर सकते हैं तो वो तो होता है मुद्रा विनीमय और वस्तु के बदले अपन वस्तु ही खरीदते हैं वो होता है वस्तु विनीय तो ये चीज होती है एक्सचेंज इसके बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन चौथा पार्ट है जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जितना भी अपना रिसोर्स है, है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है कि जो वांट्स है ना वो पहले जो ज़रूरी है वो पहले सेटिस्फाई हो उनको पहले सेटिस्फाई करे डिस्ट्रीब्यूशन एक कंट्री टू अनदर कंट्री भी हो सकता है वन कंट्री टू अन कंट्री और अदर कंट्री हो सकता है अदर कंट्री हो सकता है वन मार्केट टू अनदर मार्केट हो सकता है मार्केट टू मार्केट हो सकता है पर्सन टू पर्सन हो सकता है पर्सन टू पर्सन हो सकता है person तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ये अप्रोचेज है ट्रेडिशनल अप्रोचेज में आता है अब बताता हूं मॉडर्न अप्रोचेज मॉडर्न अप्रोचेज में दो चीज आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है किसने दिया था माइड्रोन मैक्रो माइड्रोन अप्रोचेस दिया था रेगनार फरिस्क कब दिया था 1933 में दिया था 1900 सन 1933 में दिया गया था मॉडर्न अप्रोचेज इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताई दी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थ्योरी प्राइस थ्योरी एक भाग है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इनकम थ्योरी बोल सकते हैं इनकम थ्योरी किसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोल सकते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरी चीज़ है मैक्रो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं जैसे नेशनल इनकम हो गई जीडीपी हो गई हर फर्म हो गई कोई इंडस्ट्री हो गई उनका नेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तो वो चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वो चीज़ होती है जो इंडिविजुअल यूनिट है किसी की जैसे कंज्यूमर है यदि मार्केट में किसी कमोडिटी या गुड की गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो वो क्या रिएक्ट करता है तो वो चीज़ें होती है क्या इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है तो ये थी आप आज की अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कैसी लगी आपकी क्लास से और अपने सुझाव दीजिएगा या फिर कुछ भी हो कुछ डाउट हो तो कमेंट्स के थ्रू बताइएगा ऑनलाइन ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म एग्री पावर से मैं राकेश कुमार यादव विदा लेता हूँ आपसे और जय हिंद जय भारत